नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। हमीरपुर जिले में एक सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया है। मौधा कोतवाली के अंतर एक पॉस्को एक्ट के युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस का कहना है कि अभियुक्त ने खुद ही अपनी शर्ट उतारकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। थाने में तैनात पुलिस कर्मी द्वारा देखे जाने पर उसे तुरंत उतारकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम हाउस में भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस अधीक्षक ने अभियुक्त की मौत के मामले में एक उप निरीक्षक और दो पुलिस आरक्षियों को सस्पेंड कर दिया है। मामला हमीरपुर जिले के मौधा कोतवाली का है, जहां पर एक बार फिर पुलिस की संदिग्ध भूमिका नजर आ रही है। रेप के मामले में मौधा कोतवाली में पड़ोसी जनपद महोबा के खन्ना थाना क्षेत्र के घड़वा गांव का संजय नाम का एक युवक पकड़कर लाया गया था। युवक पर रेप का पॉस्को एक्ट का मुकदमा दर्ज है। युवक के थाने के लॉकअप में बीती रात को मौत हो गई। मौत की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक ने अब खुद अपनी शर्ट उतारकर उसमें फांसी लगा दी। मौधा कोतवाली में पॉस्को एक्ट के अभियुक्त की मौत हो जाने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है। तुरंत पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लिया और उसका पोस्टमार्टम कराया। एक पॉस्को एक्ट के अभियुक्त की मौत की जांच उच्च स्तरीय अधिकारी कर रहे हैं। फिलहाल एक निरीक्षक और दो आरक्षियों के ऊपर पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की है। हमीरपुर जनपद के मौधा थाने में एक नाबालिग युवती से बलात्कार के आरोपी को थाने पर लाया गया था, जहां रात में उसके द्वारा अपने शर्ट को फंदा बनाकर हवालात गेट पर फांसी लगा लिया। पुलिस कर्मियों द्वारा उसे दौड़ करके उतारा गया और CHC ले जाया गया, जहां से उसको गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल रिफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मृतक के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है और इस संपूर्ण घटना में जो भी दोषी पुलिसकर्मी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। R9 भारत के लिए जसवंत सिंह की रिपोर्ट, हमीरपुर। फरुखाबाद के भोलेपुर बेबर रोड पर ओवरब्रिज निर्माण का कार्य शुरू हुए लगभग एक साल हो चुका है। भोलेपुर बिजली घर के पास बन रहे ओवरब्रिज के नीचे गुजरी सड़क कई महीनों से क्षतिग्रस्त पड़ी है, जिसमें वाहन चालकों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश होने से सड़क पर जल भराव व कीचड़ होने से चालकों को काफी परेशानी हो रही। कुछ वाहन चालक तो फिसल कर वहीं भोलेपुर क्रॉसिंग से बेबर रोड की ओर का रास्ता सही न होने से लोगों का पैदल निकलना तक मुश्किल हो रहा है, बाइक तक निकालना मुश्किल है। निर्माण से पहले सर्विस रोड बनानी चाहिए थी। मोहल्ले वालों ने पूरी समस्या को DM के सामने रखा और इसके समाधान की आवाज उठाई है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। फरुखाबाद में करीब एक साल से रेलवे की ओर से भोलेपुर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य के चलते ओवरब्रिज के नीचे दोनों ओर की सड़कें क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं। फरुखाबाद फतेहगढ़ मुख्य मार्ग होने के चलते रोजाना इस मार्ग से रोडवेज बसें, टेम्पो, कारें व दोपहिया वाहन गुजरते हैं। भोलेपुर बिजली घर से तिवारी नर्सिंग होम तक जर्जर पड़ी सड़क के चलते वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टूटी सड़क के चलते आए दिन वाहन चालक फिसलते रहते हैं। बीते दिनों निरीक्षण पर आए कमिश्नर ने आदेश दिए थे कि ओवरब्रिज के नीचे जर्जर पड़ी सड़क को पहले बनवाया जाए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। जबकि DM से लेकर नगर मजिस्ट्रेट तक बड़े अधिकारी लगभग प्रतिदिन इसी मुख्य मार्ग से गुजरते हैं। गुरुवार को बरसात होने से ओवरब्रिज की दोनों सड़कों पर जल भराव और कीचड़ हो गया। सबसे बुरा हाल भोलेपुर बिजली घर के पास हुए जल भराव से हुआ। कीचड़ होने से दोपहिया वाहन चालक काफी धीमी गति से गुजरते दिखाई दिए। कीचड़ होने से कुछ वाहन चालक तो फिसलकर चोटिल भी हो गए। कीचड़ व जल भराव के चलते कई वाहन चालकों के तो कपड़े भी खराब हुए हैं, जो जिला प्रशासन को कोसते हुए निकल गए। यह हाल तो पहले दिन की बारिश के बाद का है, अभी तो पूरी बरसात बाकी है। गंदगी का यही आलम सब्जी मंडी में भी है। शहर की सब्जी मंडी कम कीचड़ मंडी ज्यादा लगती है। मंडी पूरी तरह से कीचड़ से सनी है। लोग कीचड़ से गुजर कर सब्जियों की खरीदारी कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके मरीजों में? हमारे मरीज जो गाड़ी से आते हैं वो गिर जाते हैं, कई बार टैक्सी पलट गई, यहाँ पे ई रिक्शा वाले पलट जाते हैं, तो काफ़ी अस्पताल में बहुत दिक्कत है, मरीज ले जाने में दिक्कत होती है। प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को इस रोड को सही कराना चाहिए, मरम्मत करा के थोड़ा ड्रामा डलवा के थोड़ा बहुत सही करा दें, जब तक पुल नहीं बन रहा है। अरुण कुमार जी, जल भराव से क्या परेशानी हो रही है? जल भराव से में आने जाने में बहुत समस्याएं हो रही हैं। कोर्ट कचहरी नहीं कर पा रहे हैं, SP ऑफिस नहीं जा पाते हैं। क्यों, क्या वजह, क्या दिक्कत है इससे? इसमें साहब जल भराव बारिश के कारण इसमें जल भर जाता है और गहरे गहरे गड्ढे हैं, जैसे गाड़ी या बाहर निकलने में बहुत समस्या होती है। किसी अधिकारी ने किस पर रुचि ली की? नहीं साहब, सूचना तो की थी लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। थैंक यू। जल भराव से क्या समस्या आ रही, दिक्कत आ रही? समस्या ये भैया टेम्पो पूरे जाते हैं हमें सब। क्यों,
ये सड़क का कि नहीं, मतलब सेहत निगम को क्या कराना चाहिए था? सेहत निगम बनाना चाहिए रोड दोनों तरफ बना के एकदम कंप्लीट करके, तब काम चलाएं आगे, जब दिक्कत होती है सवारी निकलने में। R9 भारत के लिए दीपक शुक्ला की रिपोर्ट फरुखाबाद से। खबर उरई जालौन से है, जहां 5 जुलाई को मेयर बहादुर पुत्र भैयालाल मैनेजर सुषमा HP सेंटर उरई रोड निवासी ग्राम कुसमरा थाना जालौन की तहरीर पर स्थानीय थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ पेट्रोल पंप से 3,36,000 रुपए स्टेट बैंक जालौन में जमा करने के जाते समय 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा तमंचा लगाकर रुपए छीन लिए कर भाग जाने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा उक्त मामले में अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी एवं लूटे गए माल की बरामदगी हेतु जालौन पुलिस SOG और सर्विलांस सेल टीम को संयुक्त रूप से लगाया गया, जिसका सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्त गणों को लूट के माल, अवैध असलाह, कारतूस और स्विफ्ट डिजायर कार के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसका आज दिन रविवार को नवागंतुक पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के द्वारा खुलासा किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जालौन पुलिस SOG एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम चिरिया सलेमपुर के आगे एक महाविद्यालय के पास स्थित पुलिया से 25 जुलाई 2021 को 3 अभियुक्त गणों को लूट के मामले के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त गणों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म बोलते हुए कहा कि अभियुक्त विनोद कुमार ने बताया कि घटना एक दिन पहले सर्वेश कुमार अग्निहोत्री व आकाश शर्मा द्वारा HP पेट्रोल पंप पर रैकी कर हमने लोगों को बताया कि लूट में 14-15 लाख रुपए मिलेंगे। इसी लालच में हम तीनों ने 5 जुलाई को कस्बा जालौन के उरई रोड पर HP पेट्रोल पंप के मैनेजर से, जो एक झोले में रुपए को लेकर कस्बा जालौन की तरफ आ रहा था, तभी मैं वहां और भारत सिंह उर्फ ढोलू पुत्र रामचरण लाल निवास निवासी उत्तमपुरा थाना कोतवाली मुरैना जनपद मुरैना मध्य प्रदेश व अविनाश उर्फ अन्ना शर्मा पुत्र मुरारी लाल निवासी मुरैना थाना जनपद मुरैना मध्य प्रदेश, हम तीनों लोगों ने मोटरसाइकिल से मैनेजर को पीछे करके हवाई के किनारे रोककर तमंचा लगाकर रुपए से भरा झोला लूट कर बंगरा रोड की तरफ भाग गए। तीनों लोग भागकर निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पुल के पास आए और पहले से ही पूर्व प्लान के मुताबिक आकाश शर्मा व राहुल पांडे अपनी स्विफ्ट डिजायर कार के साथ खड़े मिले तथा हम लोगों ने मोटरसाइकिल पुल के आगे सुनसान जगह में खड़ा करके स्विफ्ट कार से हम पांचों लोग भीड़ की तरफ आ गए, जिसके बाद आज हम लोग कोई घटना करने के उद्देश्य से यहां पर अपने साथियों का इंतजार कर रहे थे, तभी पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया, जिसमें अभियुक्त आकाश शर्मा ने बताया कि एक माह पहले भी अपने साथी विनोद कुमार राठौर के साथ मिलकर थाना क्षेत्र के ग्राम बस्ती गोरा करनपुर रोड पुलिया के पास खड़ी मोटरसाइकिल की डिक्की से 2,21,700 रुपए व एक मोबाइल की चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। लुटेरों को गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक सुनील कुमार सिंह कोतवाली प्रभारी जालौन, निरीक्षक महेश कुमार कोतवाली जालौन आदि सभी का पूर्ण सहयोग रहा। देखिए, ये लूट का वर्कआउट थाना जालौन किया। आपको बता दें कि 5 जुलाई को एक सुषमा पेट्रोल पंप के मैनेजर के साथ लूट हो गई थी, उसमें उसी घटना का अनावरण हुआ है और इस घटना में कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास स्विफ्ट डिजायर कार और अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं, उसके संबंध में भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जब इनसे विस्तृत पूछताछ की गई है तो इनके पास से 34,000 रुपये कैश, स्विफ्ट डिजायर कार, अवैध असलहा बरामद हुआ है। इनके 3 अन्य साथी भी प्रकाश में आए हैं और ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है, जिसमें कुछ लोग मुरैना के हैं, कुछ यहाँ के भी रहने वाले हैं। इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी कुछ लोगों का पाया गया है और कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और 3 अन्य वांछित हैं इसमें, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और इस घटना को संपूर्ण रूप से खुलासा करते हुए इनके खिलाफ आगे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की संभावनाएं तलाशी जाएंगी और इनकी संपत्ति का भी जब्तीकरण करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। कितने रुपए की लूट हुई थी, कितना? देखिए, जो लूट हुई थी उस लूट की घटना में 3,36,000 कैश किया था और अभी उसमें से जब इन लोगों के पास से पकड़ा गया है तो 34,800 रुपया अभी नकद बरामद हुआ है। एक स्विफ्ट कार, उस समय जब इन लोगों ने घटना की थी तो मोटरसाइकिल से घटना की थी, फिर ये लोग भागे थे और अपने अन्य साथियों के साथ एक स्विफ्ट कार में बैठ के फरार हुए थे, तो उस स्विफ्ट डिजायर कार को भी बरामद कर लिया गया है।
और उनके पास से एक तमंचा भी बरामद किया गया है। ये संभवतः किसी घटना को करने की प्लानिंग कर रहे थे और अगर इनको मौके पर नहीं पकड़ा जाता तो ये दूसरी घटना करते, तो घटना को भी एक समझी के रोक लिया गया है। और बाकी इनके तीन अन्य साथी जो प्रकाश में आए हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और इस घटना का पूर्ण रूप से अनावरण करते हुए आगे की निरोधात्मक कार्रवाई। आपराधिक इतिहास में इनका आपराधिक इतिहास की है कुछ का मुरैना एक आकाश शर्मा जो है रहने वाला मुरैना का, उसके खिलाफ तीन चार मुकदमे प्रकाश में आए हैं। विनोद कुमार राठौर है, उसके खिलाफ भी मुकदमे प्रकाश में आए हैं। और बाकी CCTNS से भी जानकारी की जा रही है। अग्रिम पूछताछ में आगे की विवेचना में ये सभी डिटेल्स प्रकाश में आएंगे, जो अगर जो भी आगे सामने में आता है तो अगले बात शेयर। एक नाम दिया गया अभी बाकी, जब ये पूरे घटना का पता चल जाएगा की जाएगी तो नाम R9 भारत के लिए मोनू शर्मा की रिपोर्ट, उरई जालौन। खबर सोनभद्र से है, जहां ओबरा में कोरियाई कंपनी दुसान के द्वारा 1320 मेगावाट की बिजली परियोजना सी का निर्माण कर रही है। दुसान के द्वारा की गई भारतीय कंपनियों को सी परियोजना में कार्य करने के लिए ठेका दे रखा है, जिसके द्वारा हजारों मजदूर कर्मचारी काम करते हैं। इसी से HSCPL सिंगरौली में कार्य करने वाले सैकड़ों मजदूर महीने भर से अपना बकाया वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी 10 दिन पूर्व कार्य बहिष्कार कर बकाया वेतन मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। तब जिलाधिकारी अभिषेक सिंह के आदेश पर ओबरा SDM व श्रम अधिकारी के द्वारा मजदूरों के बकाया वेतन का भुगतान का आश्वासन दिया गया था, जिससे मजदूर काम पर वापस लौटे थे। पर वेतन का भुगतान न होने से नाराज मजदूरों ने कार्य का बहिष्कार कर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बकाया वेतन की मांग कर रहे हैं। ओबरा में 2014 में शुरू हुए 1320 मेगावाट की बिजली परियोजना में पहले भी काफी लेट हो चुका है और अब मजदूरों के द्वारा कार्य बहिष्कार व हड़ताल की वजह से दिन ब दिन देर होता जा रहा है। आए दिन बकाया भुगतान को लेकर मजदूरों कर्मचारियों की हड़ताल परियोजनाओं को और पीछे धकेल रही है, पर अधिकारियों को इसका कोई भी फिक्र नहीं है। जहां सरकार बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, वहीं अधिकारियों की लापरवाही से बिजली परियोजना में देरी होती जा रही है। वहीं मजदूरों का कहना है कि लगातार एक महीने से हम लोग पिछले बकाया का भुगतान को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बीच में एक बार 3 दिनों तक कार्य बहिष्कार किए थे, तब जिलाधिकारी ने SDM व श्रम अधिकारी को भेजकर आश्वासन दिलाया था कि एक हफ्ते में बकाया वेतन का भुगतान हो जाएगा, पर अभी तक कुछ भी नहीं मिला। यहां तक कि हम लोगों के पास खाने पीने के लिए भी कोई पैसा नहीं है। जब खुद खाने के लिए मोहताज हो गए तो अपने घरों को क्या भेजेंगे। हम लोग भूखे मर रहे हैं, पर कोई भी हम लोगों का सुनने वाला नहीं है। अब कलेक्ट्रेट परिसर में आए हुए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग सर अगले 19/7/2021 तारीख को भी आए थे सर। DM साहब और दुकान के कुछ यहाँ अधिकारी आए थे, आपस में बात हुआ तो पता चला कि एक हफ्ते तक सर पेमेंट हो जाएगा, लेकिन एक हफ्ता बीत गया, अभी तक हम लोगों का पेमेंट का कोई उम्मीद नहीं है। और वहाँ दुकान जाते हैं तो सब ऐसा कहते हैं कि अभी कोई क्लियर नहीं है, कोई डेट नहीं है। आज तक अभी हम लोगों का सर एक हफ्ते से कोई सुनवाई नहीं हुई ना, वो लोग हम लोगों के लिए राशन पानी कुछ भी नहीं दिए, और राशन पानी के लिए और यहाँ सर पैसे के लिए आदमी एक एक रुपया के लिए तड़प रहा है, लेकिन हम लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है सर। मंसूर अंसारी हमारा नाम है सर। मामला ये है सर कि हम लोग दुसान कंपनी में काम करते हैं और उनके नीचे एक SCPL कंपनी है, उसमें काम करते हैं। हम लोग को 4 महीने से पेमेंट नहीं मिला है और हम लोग मांग रहे हैं तो बोलते हैं दुसान के ऊपर, और दुसान से जब दुसान के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि वो उनको पैसा दे दिए हैं, ऐसे करके हम लोग को 4 महीने से पैसा नहीं मिल रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, आप लोगों को क्या मैटर है पूरा? सर हम लोगों का पैसे का मैटर है, हम लोग पेमेंट नहीं हो रहा है। दुसान किस कंपनी में काम करते हैं? SCPL में करते हैं, सिंगरौली दुसान कंपनी में अंतर्गत में, और पैसा नहीं मिल रहा है साहब। महीने से हम लोगों को जो है कि इधर उधर टोल मटोल लोग पड़ रहे हैं कि नहीं हुआ। कितने दिन से पैसा नहीं मिला है? 4 महीने से सर हम लोगों को पैसा नहीं मिला है। पहले आप तो आप आए थे आप लोग DM साहब के पास ज्ञापन देने के लिए? जी, तो वहाँ आए थे तो बोले थे कि एक हफ्ता के अंदर पेमेंट हो जाएगा। आप लोगों का दुकान के अधिकारी आए थे लोग तो बोले थे एक हफ्ता में DM साहब के सामने तो हो जाएगा, लेकिन फिर अब जाने के बाद कुछ नहीं, ना पेमेंट लोग बोल रहे हैं, ना खर्चा पानी कोई चीज़ नहीं, एकदम सारे लोग रोड पर आ गया है सर। हम तो एकदम परेशान हैं, जो है कि हम बीवी बच्चे हम मर रहे हैं भूखे, जो है कि कुछ नहीं है खाने पर घर के लिए, और मैं गहना बेच कर अपना बीवी का जो है कि मैं अपना कार्य किया, जो है कि अब गहना भी नहीं है, खेती की रहती सारा कुछ जो है कि खाने के लिए लाला पड़ा है घर में। R9 भारत के लिए मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट, सोनभद्र।
सोनभद्र जिले के पंचायत ऑपरेटर भर्ती को लेकर उग्र हुए वीएलई संचालक एवं जिला कलेक्टर पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे गांव पंचायत स्तर पर स्थित सभी सीएससी वाईएल की सामूहिक मांग है कि पंचायत ऑपरेटर भर्ती में सीएससी वीएलई पूर्व से ही सरकार की तमाम योजनाएं जैसे कोविड वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन आयुष्मान कार्ड आर्थिक जनगणना पीएम दिशा किसान निधि किसान सम्मान निधि आदि सभी को काम आदि तमाम योजनाओं को गांव गांव घर घर पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे। वीएलई की मांग के भर्ती की प्रक्रिया में पहली प्राथमिकता हम लोगों को मिले। वही सत्यम शुक्ला और योगेश चौहान ने कहा कि उनके साथ न्याय कर उनको पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती में प्राथमिकता दी जाए जिसको पूर्व से ही डाटा एंट्री कंप्यूटर इत्यादि का सभी का ज्ञान है व अनुभव है। उनका कहना है कि पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती व सहायक भर्ती में पंचायत से धांधली की संभावना हो सकती है और पंचायत सचिव और प्रधान इत्यादि अपने निकट सगे संबंधियों को प्राथमिकता देंगे, योग्य व्यक्ति पीछे न रह जाए। इसलिए हम सब सीएससी वीएलई संगठित होकर मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि पूर्व से जो पंचायत वार कार्यरत सीएससी वीएलई है इस जगह पर नियुक्त कर हम लोगों के साथ न्याय करें। विगत वर्षों से कुछ ही कमीशन पर सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को सरकार से बहुत उम्मीदें और आशाएं थी जिसकी उम्मीद में हम लोग अब तक योजनाओं को टारगेट कर पूरे दिल से करते हैं। आज हम लोग एक उद्देश्य से यहाँ आए हुए हैं। राज्य सरकार के द्वारा जो है कुछ दिन पहले एक कंप्यूटर ऑपरेटर ग्राम पंचायत में वैकेंसी निकाली गई थी जिसमें इसकी नियुक्ति जो है ग्राम प्रधान तथा ग्राम के सचिव के द्वारा होनी है। और हम जो बीएलई भाई हैं चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो गांव में जो भी योजनाएं आती हैं उनको जो है बहुत दिन चलाते आ रहे हैं। जब से सीएससी का गठन हुआ है तब से हम लोगों ने जो है गांव स्तर से लेके चाहे रात हो चाहे दिन हो हम लोगों ने काम किया है। और हम जो है जिला कार्यालय पे जिला अधिकारी महोदय को विज्ञप्ति देने के लिए आए हुए हैं कि इसमें जो है प्रथम ये वरीयता हम सभी बीएलई भाइयों को दिया जाए तथा हम लोग के साथ न्याय किया जाए। क्या आप ऐसा देख पा रहे हैं हम सभी वीएलईगढ़ हैं एक साथ आए हैं और अभी सरकार के द्वारा एक ऐसी विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक अकाउंटेंट के पद को रखने की बात संविदा पर की गई है। तो हम लोग इस फील्ड में सरकारी होने के नाते कई साल से कार्यरत हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस मतलब पद की प्रथम वरीयता हम वीएलईयों को दी जाए क्योंकि हम लोग इस फील्ड में सरकार की काफ़ी सहभागिता निभाए हैं। क्या मांग रही है आपकी सरकार से या जिलाधिकारी महोदय से? मांग रही है कि जो भी पद सरकार द्वारा या तो एडहॉक पे मिले या फिर सरकारी मिले उसमें प्रथम वरीयता हम बीएलईयों को दीजिए क्योंकि हम लोगों ने इसमें बहुत मेहनत की और हम लोग के पास काफी अनुभव भी रहा है। R9 भारत के लिए मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट, सोनभद्र। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।